जी सर, अभिषेक राज सर। जी सर, सर आप जी। दरअसल जब से संविधान लागू हुआ तब से हमें कुछ अधिकार मिले, और वो अधिकार जब से हमको मिले तब से उन अधिकारों के लिए टोकरी लेके हम कोर्ट्स के आगे खड़े रहते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के आगे, कभी हाई कोर्ट के आगे। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे आदेश पारित करती हैं, ऐसे ऑर्डर्स पास करती हैं कि इन ऑर्डर्स को लेके जब हम एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव उनको इस तरह से इंटरप्रिटेशन उन ऑर्डर्स की करता है कि हमको वापस कोर्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये जो हमारे अधिकारों का और हमारा शटल कॉक बनाया हुआ है कोर्ट ने और जुडिशरी ने और एग्जीक्यूटिव ने, इसको खत्म करने के लिए, इसको अपने अधिकारों को पाने के लिए, इस काम को करने के लिए बहुत सारे वकील भाई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, अब तो बहुत सारे धम्म के लिए काम करने वाले भी कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाते हैं और वो कहते हैं कोर्ट से कि हमें ये अधिकार चाहिए, हमारा ये अधिकार हमको मिल नहीं रहा है, ये हमें दे दो। कोर्ट सुनती हैं, कभी अधिकार का ऑर्डर पास कर देती हैं, कभी नहीं करती हैं, और जो ऑर्डर्स पास होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो हम सबको पता है। तो कुछ वकील भाई बैठे हुए थे साथ में और चर्चा चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो चर्चा चलते चलते इस बात पे आई कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाए और कोर्ट से कहा जाए कि आपका फेलियर है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन होने की जो जिम्मेदारी थी वो ठीक से नहीं निभाई, तो अब एक ऐसा आदेश पारित कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो गार्जियनशिप है वो इंश्योर हो जाए। तो जब वकील आज यहां बहुत सारे हैं, तो जब वकील बैठा करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं होती है। तो मैंने कहा भाई इस काम को आप अगर करोगे तो क्या गारंटी है कि ये काम हो जाएगा? उन्होंने कहा गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा, गार्जियन तो है कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कराना तो कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो मुझे हंसी आई और मुझे एक शेर याद आ गया, वो शेर मैं बताता हूं कि वो मोहब्बत भी उसकी थी, वो नफरत भी उसकी थी, वो अपनाने और ठुकराने की अदा भी उसकी थी, मैं अपनी वफा का इंसाफ मांगता तो किससे मांगता, वो शहर भी उसका था, वो अदालत भी उसकी थी। मतलब कि आप उसी के सामने पिटीशन लेके जा रहे हो जो आपको कुछ दे नहीं रहा है, आप उसी के सामने बार बार जा रहे हो जो आपको कुछ दे नहीं रहा है। और इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ हमारे उन लोगों की नहीं है जो पिटीशनर्स हैं, गलती उन अपीलेंट्स की नहीं है जो अपील करने आते हैं, गलती हमारे वकीलों की भी है। क्योंकि हम तो काला कोट पहन के और गले में बैंड बांध के कोर्ट के सामने अपेयर हो जाते हैं, लेकिन कोर्ट से निकलने के बाद हम कभी ये नहीं देखते, कभी ये नहीं सोचते कि क्या कारण रहा कि हम उस जस्टिस को अवेल करने से रह गए, क्या कारण रहा कि वो जो सोशल रिफॉर्म की बात हम करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं या जो हमारे रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, बायलॉज हैं, उनको कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, वो क्यों नहीं हो पाते, उसके बारे में हम नहीं सोचते? क्योंकि जब उसके बारे में सोचेंगे, अपने गरीबान में झांकेंगे, तो गलती हमको हमारी नजर आएगी। अब वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि हम बहुत सारे वकील हैं, हमारे वकीलों की संख्या कम नहीं है, हमारे वकीलों का नंबर बहुत है, लेकिन क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हैं, हम एक साथ नहीं हैं, उसका हमको नुकसान, उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को तो आप छोड़ दीजिए, अगर आप एक जिला एवं सत्र न्यायालय में भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाएंगे, तो आप वहां देखेंगे कि हमारे जो समण वकील हैं उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे दरबे बना रखे हैं, छोटे छोटे संगठन बना रखे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं, और वो उनका यही चलता है कि ये फलाने वकील साहब फलाने संगठन के अध्यक्ष हैं, फलाने वकील साहब फलाने संगठन के अध्यक्ष हैं, फलाने वकील साहब फलाना काम कर रहे हैं, फलाने वकील साहब फलाना काम कर रहे हैं। लेकिन जब उन सारे वकील साहबों से पूछो कि वकील साहब आप ये बताइए कि जब आप सारे एक ही काम कर रहे हो तो आप सारे ये एक काम इकट्ठे होके क्यों नहीं कर लेते हो, तो रिजल्ट आता है कि क्योंकि उनकी कोर्ट के अलावा जो सोशल फील्ड है उसमें उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उसमें उनके अपने अपने अल्टीरियर मोटिव्स हैं, उसमें उनके अपने अपने अल्टीरियर मोटिव जो हैं वो सोशल भी हैं, वो पॉलिटिकल भी हैं, वो प्रोफेशनल भी हैं, जिसकी वजह से हम फ्रैक्शंस में बट गए और उन फ्रैक्शंस को कुछ अचीव नहीं हो रहा है, उन फ्रैक्शंस को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो काम कोर्ट्स में हो रहा है, ये जो काम वकील भाई कर रहे हैं, इस काम का खामियाजा वकीलों के साथ साथ जो वहां याचिका जो याचक आते हैं, जो याचिका करने लोग आते हैं, उनको भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिनके वकील इकट्ठे नहीं होते उनको कोर्ट में कौन पूछेगा, जिनके वकील मुट्ठी में एकजुट नहीं होते उनको कोर्ट में कौन पूछेगा, उनके तो जो नॉलेज भी फिर सर्कुलेट नहीं होती है, उनकी तो जानकारी जो है वो अप टू डेट नहीं रहती है, क्योंकि आप जो गेन करते हैं, आप जो आगे बढ़ते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल उस सर्कल का होता है जिसमें आप उठते बैठते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो अगर हमारे सारे वकील एक साथ बैठेंगे, एक साथ रहेंगे, तो उसका फायदा मिलेगा। फायदा कैसे मिलेगा, मान लीजिए यहां पे प्रेम माथुर सर हैं, वो एक्सपर्ट हो सकते हैं क्रिमिनल लॉ के, मान लीजिए यहां पे रामचंद्र सर हैं, वो एक्सपर्ट हो सकते हैं सिविल लॉज के, यहाँ कोई और हमारे प्रशांत सर हैं, वो एक्सपर्ट हो सकते हैं डाइवोर्स लॉज के। तो जब आप साथ में काम करोगे और एक तरह का केस किसी के पास आएगा और वो उसका एक्सपर्ट नहीं तो दूसरे भाई को दे सकता है, तो उससे क्या होगा कि एक तो काम घूमेगा और दूसरा जो फायदा होगा वो ये होगा जो याचक आ रहा है, याचिका करता आ रहा है कोर्ट में, उसका बेनिफिट होगा। तो हमको अपना ईगो, अपना अहम, अपने अल्टीरियर, अपने पर्सनल मोटिव छोड़ के अगर हमें वास्तव में रिफॉर्म लाना है तो हमको ये काम करना पड़ेगा। ये काम हम पहले करते थे, इकट्ठे रहने का काम, ये काम हम बहुत पहले करा करते थे और ये काम बहुत लंबे समय तक रहा, अशोक के समय तक ये काम रहा, अशोक के समय के बाद भी ये काम रहा और उसका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट ये आया कि हम एक समय में यहाँ पे अधिवक्ता भी थे, यहाँ पे व्यापारी भी थे, यहाँ पे पॉलिटिशियन भी थे, यहाँ पे राजा भी थे, खेत भी हम ही चलाते थे, हल भी हम ही चलाते थे, पढ़ते भी हम ही थे, पढ़ाते भी हम ही थे, सारे काम हम ही करते थे। तो उससे ये होता था कि वो शहर भी हमारा होता था और वो अदालत भी हमारी होती थी, यानी इंसाफ देने वाले भी हम थे, इंसाफ करने वाले भी हम थे और इंसाफ चाहिए भी हमारे आदमी को था, तो तब हम सक्सेसफुली इस कारवा को आगे लेके बढ़ पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे फ्रैक्शंस होते गए, जैसे जैसे हम टूटते गए, जैसे जैसे हमने भाई से अपने मतभेद कर लिया, भाई के साथ बैठना शुरू कर लिया, भाई के साथ आना जाना बंद कर दिया, वैसे वैसे हम कमजोर होते चले गए और इतने कमजोर हो गए कि आज नौबत ये आ गई है कि अगले 10 15 20 साल में हम खत्म होने की कगार पे आ गए और हम खत्म हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो कोई पूछेगा कि समर संघ इसमें क्या मदद करेगा, समर संघ कैसे काम करेगा, तो समर संघ उस तरीके से काम करेगा जिस तरह से नेचर काम करता है, क्योंकि समर संघ की जो उत्पत्ति है वो नेचुरल है, समर संघ के जो नियम है वो नेचुरल है। जब भी आपको समर संघ का कोई रूल चेक करना हो, कोई नियम चेक करना हो, तो उसको नेचर से कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि समर संघ जो काम करता है वो नेचुरल करता है, क्योंकि इकट्ठे होने का काम है वो नेचर ने हमें दिया है, इकट्ठे होने का जो काम है वो किसी आर्टिफिशियल बॉडी ने हमको नहीं दिया है, या किसी मैनमेड बॉडी ने नहीं दिया है, या किसी लिविंग बीइंग बॉडी ने नहीं दिया है, वो हमको नेचर ने दिया है। नेचर ने कैसे दिया है, इंसान, जानवर, पेड़, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं,
या इसके अलावा भी जितने लिविंग बींग्स हैं वो सब साथ रहते हैं, तभी उनका सर्वाइवल पॉसिबल होता है। और एक कैटेगरी के एक साथ रहते हैं तभी उनके उनका सर्वाइवल और ज्यादा स्ट्रांग होता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि बहुत सारे जो हिरण हैं वो बहुत सारे शेरों के साथ रह रहे हैं, या कभी नहीं देखा होगा कि बहुत सारे जो भैंसे हैं वो बहुत सारे जो है मुर्गियों के साथ रह रहे हैं। नहीं, हिरण अलग रहते हैं एक साथ, मुर्गे अलग रहते हैं एक साथ, गाय भैंसे अलग रहती हैं एक साथ, शेर अलग रहते हैं एक साथ, चीते अलग रहते हैं एक साथ, लेकिन सब साथ साथ रहते हैं। ऐसे ही समण भी एक साथ रहेंगे तो हम स्ट्रांग रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि समण भी ह्यूमंस में एक जो है आप कह सकते हो कि कैटेगराइज कर सकते हो, जो समता में रमण करने वाले लोग हैं वो एक कैटेगरी के लोग हैं, वो एक साथ, वो पहले भी एक साथ रहा करते थे नेचुरली, वो अभी भी एक साथ रहेंगे नेचुरली, तो ऐसे काम बन जाएगा। तो ये काम बहुत पहले होता आ रहा था, बीच में इस काम की जो रेल है वो पटरी से उतर गई। उसके बहुत सारे कारण रहे, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सब जगे हुए लोग हैं, कोई ये कहता हो कि सोए हुए समाज को जगाना है तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना, सारे जगे हुए हैं, सारे जानते हैं, सारे क्रांति कर रहे हैं, लेकिन जग के कर क्या रहे हैं, सवाल इस पे आता है कि जाग के हम लोग कर क्या रहे हैं, या जाग के हमारे वो लोग जो इतने सालों से इस बात को बता रहे हैं कि जागना है जागना है, तो वो जाग के कर क्या रहे हैं। वो उठते ही गलत डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, जैसे ही जागे तभी गलत डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। गलत डायरेक्शन में वो ऐसे चले गए कि उनके जो बाप दादा ने, उनके जो महापुरुषों ने उनको बातें बताई थी, उन्होंने उन बातों को नकार दिया, उन बातों को नहीं माना, या अगर माना तो आधा अधूरा माना, या जाना तो आधा अधूरा जाना, जिसकी वजह से नुकसान हुए। नुकसान क्या हुए कि हम जो बिखरे हुए थे वो और ज्यादा बिखरे गए। बाबा साहब ने बताया संगठित रहना है, बुद्ध ने बताया संघ में रहना, तो हमने संगठित को और संघ में रहने को समझ लिया कि हम बहुत सारे संगठन बना ले और हम संगठित हो जाएंगे, जबकि वो नेचर के खिलाफ है। अरे भाई, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जब आती हैं, जब छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आती हैं तब जाके रिवर बनती है, ना कि रिवर से ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। तो जब बहुत सारे हम साथी लोग आके बैठेंगे तब एक नदी बनेगी जो समुन्द्र में जाके मिलती है, तब हम जाके जो है समण बनेंगे। तो बाबा साहब ने सारी ट्रिब्यूटरीज को इकट्ठा करके तीन ट्रिब्यूटरी बनाई, SC ST OBC। इन ट्रिब्यूटरीज को बाबा साहब ने कहा था आगे ले जाके एक रिवर बना देना। वो रिवर बनाने की बजाय हमारे जो लोग शुरू शुरू में सो के जागे, उन्होंने उन ट्रिब्यूटरीज में से फर्दर ट्रिब्यूटरीज बना दी, मतलब वो जो नदी बनाने के लिए छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी चली थी उनको और बांट दिया, तो वो इतनी ज्यादा बिखर गई कि वो आगे जाते जाते नदी बनने की बजाय सूखती चली, और वो अभी भी सूख जाएंगी अगर हमने उनको वापस से कंबाइन नहीं किया। और कंबाइन करने की जो चाबी है वो संघ है, क्योंकि बुद्ध बता के गए हैं कि वो संघ, और बुद्ध जो है और संघ जो है वो बुद्ध से पहले से चला आ रहा है, इसलिए बुद्ध ने बताया संघ, इसलिए बुद्ध, और बुद्ध भी जो थे संघ था इसलिए बुद्ध थे, इस बात को भी हम सबको जान लेना चाहिए और मान लेना चाहिए। तो वो जो ट्रिब्यूटरीज को इकट्ठा करके नदी बनाने का काम है वो संघ करता है, वो समर संघ। तो समर संघ ने सबको इकट्ठा करने के लिए नेचर पे बेस्ड 10 गोल्डन नियम निकाले। संघ जब बैठता है तो अपने नियम खुद बनाता है, वो 10 गोल्डन नियम जो हैं वो आधार हैं संघ का, वो 10 नियम जो हैं वो आधार हैं ये विशाल ट्रिब्यूटरीज को इकट्ठा करके नदी बनाने का। वो जो नियम हैं वो ये बताते हैं कि आप अगर इकट्ठे रहोगे तो आपके इकट्ठे रहने का जो आसान तरीका है वो नियमों से आता है। वो 10 गोल्डन नियम अभी प्रेम माथुर सर ने बताए, फिर उसके बाद रामाचंद्र सर ने उनमें से कुछ उसमें से एक नियम एक्सप्लेन किया। तो ये जो नियम है वो हमारे आगे आके बढ़ने की चाबी है। तो जब संघ का काम दोबारा शुरू हुआ, तो संघ का काम दोबारा शुरू होने में बहुत सारे लोगों से अपील करी गई। ये जितने भी हमारे नेता थे, जितने भी हमारे संगठन थे, जितने भी हमारे अध्यक्ष थे, जो हमको आगे ले जाने का काम कर रहे थे, चाहे वो काम गलत डायरेक्शन में हो रहा है, वो सेल्फ प्रोक्लेम था उनका सारा काम। उनको किसी ने कहा नहीं कि आप आके ये काम करो, वो सारा काम सेल्फ प्रोक्लेम था। वो सेल्फ प्रोक्लेमेशन में जो काम कर रहे थे वो आगे बढ़ते चले गए, और वो आगे बढ़ते बढ़ते इकट्ठे नहीं हो पाए। तो कुछ वी द पीपल ने ये कहा कि भाई आप लोग इकट्ठे हो जाओ, अगर आप इकट्ठे नहीं होगे तो हम मारे जाएंगे,
और हम मारे जा रहे हैं, हमारे सारे अधिकार चले जा रहे हैं, आप इतने समय से संघर्ष कर रहे हो, वो अधिकार बच नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ, इकट्ठे होते हैं और हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। इस बात को सब मानते कि सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, और उन्होंने भी ये बात कही कि हाँ हमको इकट्ठा हो जाना चाहिए। लेकिन जब इकट्ठा होने की बारी आई तो इकट्ठा होने की बारी में वो लोग साथ तो बैठे, उन्होंने बात भी करी, लेकिन वो ये कहते हैं कि हाँ हम इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इकट्ठे होकर के हमें लीड कौन करेगा, हमारा नेता कौन रहेगा। तो सारे के सारे नेता हैं, सारे के सारे अध्यक्ष हैं, सारे के सारों के अंदर जो है, जो अंदर तक भरा पड़ा है, वो लीड करने का जज्बा भरा पड़ा है। लेकिन उनको ये बताना, उनको ये समझने में तकलीफ आती है कि लीड तो लोगों को ही करोगे ना, या खुद को ही लीड करोगे, या कुछ लोगों को लीड कर लोगे, लीड तो आपको लोगों को ही करना है। तो लोगों को आप लीड अब तक जो करते आए हो, गलत दिशा में करते आए हो, अब आप लोगों पे छोड़ दो। तो इस बात में उनमें आपस में ठन जाती है कि मैं नेता बनूंगा। तो वो संगठन कभी इकट्ठे नहीं होते, वो नेता कभी इकट्ठे नहीं होते। इस बात पे जब काम किया गया तो वो काम, बहुत एनर्जी दी गई उस काम पे, कई साल लगाए उस काम पे, लेकिन वो काम नहीं चल पाया। तो अंत में समझ आया कि ये जितने भी नेता, जितने भी संगठन और जितने भी मैं वाले लोग हैं, जिनको आई चाहिए, जिनको माई सेल्फ चाहिए, जिनको मी चाहिए, वो लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और ना वो हमारा भला कर सकते हैं। लेकिन जो वी द पीपल है, जो हम लोग हैं, जो संघ है, जो लोग संघ को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और ये जानते हैं कि संघ के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इकट्ठे हो जाते हैं, इनको जाने दो, और जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बट नेचुरल है, ये हमारे पीछे पीछे आएंगे और ये कहेंगे कि हमको भी संघ। तो ये जितने भी लोग हैं ये नहीं माने, तो हमने आपस में वी द पीपल ने, हम साधारण लोगों ने संघ में इकट्ठा होना शुरू कर दिया, और संघ बहुत तेजी से आगे बढ़ पड़ा। संघ इतनी तेजी से आगे निकला जिसका कोई जवाब नहीं। अब तो संघ इतना आगे निकल चुका है कि ये जितने लोगों को शुरू में कहा था ना कि आप इकट्ठे हो जाओ, अब ये संघ पे उंगलियां उठाने लगे हैं, अब ये संघ में कमियां ढूंढने लगे हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप कुछ चाहते हो और नहीं मिल पाता, तो या तो वो कहावत है ना कि खीर अगर खाई ना जाए तो बिखेर दो। तो जब वो इकट्ठा होकर आ नहीं पाए तो अब वो खीर बिखेरने का काम करते हैं, वो गलत सलत झूठ बोलते हैं, वो लोगों को गलत सलत बयानबाजी करते हैं, झूठी झूठी चीजें फैलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो संगी लोग हो, आप जो वी द पीपल हो, आप सबके सब सही चल रहे, सबके सब सही दिशा में काम कर रहे। क्योंकि अगर आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे होते तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उनको कोई दर्द नहीं होता, वो कभी नहीं कहते कि इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है। अच्छा, हम तो ओपनली कहते हैं, संघ तो ओपनली कहता है कि भाई साहब, अगर संघ से बेहतर कोई पॉलिसी है, अगर संघ से बेहतर कोई काम हो सकता है, अगर संघ से बेहतर कोई आइडिया है, तो आप लेकर के आओ, हम सारे के सारे संघी उसमें आ जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें काम करना है वो तो अपने बचाव के लिए करना है ना, अपने बच्चों के बचाव के लिए करना है ना। यहां जितने लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोगों की दाढ़ी सफेद हो गई है, बाल सफेद हो गए हैं, उम्र झीली है। तो अब क्या है, जो अब हम काम कर रहे हैं या हमने जितना भी जीवन में काम किया है, वो अपने बच्चों को ध्यान में रख के किया है। तो हम सारा का सारा काम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चों के लिए कोई और बेहतर योजना लेकर के आता है तो वहां सारे के सारे चले जाएंगे। लेकिन ये ला नहीं सकते, ये कुछ नहीं ला सकते। ना लाने का रीजन ये है क्योंकि उनका आई मी माई सेल्फ, मेरा, नेता, संगठन या राजनीतिक पार्टी या कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या माइक या मंच या माला या चंदा, ये इनको आड़े आ जाता है। और जब ये इनके आड़े आ जाता है तो अब ये कहें कि ये इनके आड़े आ जाता है, या ये कहें कि ये इन चीजों के आड़े आ जाते हैं, तो ये इनको आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए, इनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अपना घर जब आप मजबूत कर लोगे, सारे हमारे भाई हैं, हैं वो भी समण, लेकिन वो सारे हमारे भाई हैं। अपना घर आप जब मजबूत कर लोगे, अपना संघ जब आप मजबूत कर लोगे, अभी थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं, अभी अभी यूपी से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से खबरें आती हैं कि छोटे छोटे संगठन संगठन के लोग, जिनको समझ आता है कि संघ कितना जरूरी है, वो कहते हैं कि हम अपना संगठन खत्म करके संघ में काम करेंगे। तो जैसे जैसे हम और बड़े होते जाएंगे, वो बड़े बड़े भी सारे पीछे आएंगे, और एक समय आप ऐसा आएगा कि आप बताओगे, संघ बताएगा कि समणों के साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है।
समणों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये काम संघ करेगा, ये काम और कोई नहीं कर सकता। तो जब संघ यहां पे दोबारा से काम करना शुरू किया और संघ मजबूत होना शुरू हुआ तो संघ में बहुत सारे लोग आए। कई लोग तो इसलिए आए कि उनको लगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बिना नेता के, बिना चंदे के, बिना माइक के, बिना किसी ऐसी चीज के जिसने आज तक हमको रोक के रखा था, उसके कोई काम चल सकता है। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि संघ चल पड़ा, संघ दौड़ पड़ा, संघ उड़ पड़ा, और संघ ऐसा उड़ा कि वो सारे के सारे जितने यहां पे आए थे वो धराशायी हो गए, और वो बेचारे जो अपनी कुछ उम्मीद लेके आए थे, वो अपने साथ कुछ मन में लेके आए थे, वो सारे के सारे एक एक करके यहां से जाने लगे। तो एक बहुत बुद्धिजीवी साथी से मेरी बात हुई जो संघ में रहे, वो उन्होंने कहा कि लोग जो है संघ से जा रहे हैं या लोग संघ से चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो नेचुरल प्रक्रिया है, आदमी आया है तो आदमी जाएगा भी, लेकिन आदमी जाएगा वो जिसको या तो संघ समझ नहीं आया, या तो जिसको संघ के नियम समझ नहीं आए, या तो जिसका अपना कोई हित कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, यानी अपना कोई पर्सनल मोटिव है जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है संघ के रहते, वो चला जाएगा। और ऐसे लोगों के जाने की चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोग, कुछ समण भाई बहन, जिनको ये गलत फहमी हो गई, गफलत हो गई कि हमने थोड़े पैसे कमा लिए, हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, हम लंबी लंबी एसी गाड़ियों में घूमते हैं, तो क्रांति हम करेंगे, तो हम ये बताएंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और ये जितने भी लोग हैं, यानी जो संघ है, वो सुनेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बात को मैंने, उनकी बात को कंप्लीटली नकार दिया, कंप्लीटली सिरे से खारिज कर दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। अब तक होता आया है, अब नहीं होगा, क्योंकि अब जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। जब साधारण आदमी काम करेगा, जो संघ को जानता है, संघ को मानता है, अपने बच्चे की परवरिश, अपने बच्चे का भविष्य, अपने बच्चे का जीवन उसको प्यारा है, वो काम करेगा तो वो ही आगे बढ़ेगा। ये नहीं होगा कि काम करें वजीर सिंह जी और क्रेडिट ले जाएं शिव कुमार जी। नहीं, वजीर सिंह जी काम करेंगे, वजीर सिंह जी क्रेडिट लेके जाएंगे, शिव कुमार जी काम करेंगे, शिव कुमार जी काम क्रेडिट लेके जाएंगे, और फायदा भी उनको होगा, क्योंकि संघ में किया हुआ काम कलेक्टिव होता है, और कलेक्टिव काम का जो रिजल्ट है वो मारक आता है, और वो भी कलेक्टिव आता है, और वो ऐसा रिजल्ट आता है कि वो सदियों सदियों के लिए रहता है, सदा सदा के लिए रहता है। इसलिए जो जितने लोग हैं, हम जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा संघ आगे बढ़ेगा, जितने ज्यादा लोग मेहनत करेंगे उतना संघ का रिजल्ट आएगा, जितने ज्यादा लोग अपने मन में ये ठान लेंगे कि हमको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए काम करना है, उतना ही ज्यादा हमारा काम अच्छा रहेगा, उतना ही ज्यादा हमको रिजल्ट मिलेंगे। जितना ज्यादा काम कर लेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, जितनी जल्दी काम कर लेंगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आराम से बैठे रहेंगे, अगर हमें ये लगेगा कि मैं बैठा रहा हूं और मेरी लड़ाई कोई और लड़ ले या मेरे हिस्से का कोई और काम कर ले, तो वो काम तो कर लेगा लेकिन उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो काम किया नहीं। इसलिए सबको काम करना है, इसलिए सबको मेहनत करनी है। और दूसरा एक चीज और है, 2 अप्रैल का एग्जाम्पल संघ बार बार देता है। 2 अप्रैल का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस समय, आज की तारीख में जो लोग जीवित हैं, उस इंसिडेंट से पता चला कि संघ की ताकत क्या होती है और संगठन और नेता की कमजोरियां क्या होती है। क्योंकि जब 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ, शांति से सड़क पे हम लोग आए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये तय हो गया था कि आपका जो अधिकार गया था वो वापस आएगा। और उस समय कुछ नेता लोगों ने, कुछ संगठनों ने, या कुछ आई मी माइसेल्फ वाले लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था ओपनली कि हमारा इस आंदोलन से लेना देना कुछ नहीं है। तो वास्तव में जब जरूरत पड़ी वो सारे के सारे गायब हो गए, वास्तव में जब जरूरत पड़ी तो वो सारे के सारे चले गए, वास्तव में जब जरूरत पड़ी तो उन सारे के सारों ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन संघ ने पल्ला नहीं झाड़ा, संघ लगा रहा, संघ ने सड़कों पे उतरा, संघ ने शांतिपूर्वक आंदोलन करा और उसका रिजल्ट संघ को मिला। ऐसे ही काम संघ को हमेशा करना है, लेकिन वो काम होगा जुड़ के और जोड़ के, वो काम होगा इकट्ठे रह करके, वो काम होगा एक दूसरे की रोटी खा के, वो काम होगा संघ में साथ बैठ के। संघ में जब आप रोटी खाते हो ना, ये जो आप पराठे साथ में खाते हो, आप जो अचार साथ में खाते हो, इसकी जो ताकत है, इसकी ताकत उन लोगों को नहीं समझ आएगी जो लोग
आई मी माई सेल्फ में लगे पड़े हैं, वो इस हो सकता है इस बात का मजाक उड़ाएं आपकी इस बात का कि ये क्या पराठा पार्टी चल रही है और ये क्या पराठे का काम हो रहा है। उनको इस चीज की ताकत समझ नहीं आएगी। आप उस आदमी से इस चीज की ताकत पूछो जो अपने पराठे घर से लेके आया है, बांट के खा रहा है, उसको पता ही नहीं है उसका पराठा कौन खा गया और उसने किसका खा लिया। ये जो बार बार इतने सालों से बताते आ रहे हैं कि रोटी और बेटी का संबंध कर लो, रोटी और बेटी का संबंध कर लो, जब साथ में रोटी खाने की बात आती है तो बहुत सारे गायब हो जाते हैं। लेकिन संगी अड़ग रहता है, संगी लगातार वहां रहता है, संगी कहता है कि नहीं मैं रोटी खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। जब संगी रोटी खाता और खिलाता है तो संघ मजबूत होता है। जब संगी संघ के सारे नियमों को अपने से आगे रखता है तो संघ मजबूत होता है। कई बार आदमी को, व्यक्ति को अपने से ज्यादा अगर अपने संघ के नियमों से ज्यादा अगर व्यक्ति दूसरा प्यारा हो जाए तो वो संघ को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। लेकिन संघ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। जो असली संगी है, जो असली समर संगी है, वो कभी भी अपने संघ के नियमों से आगे किसी व्यक्ति को नहीं रखेगा। वो हमेशा संघ को आगे रखेगा, संघ के नियमों को आगे रखेगा, क्योंकि वो जानता है आज अगर नियमों से कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपने छोटे लाभ के लिए तो आपका आने वाली नस्लें आप पे हंसेंगी, आपका मजाक उड़ाएंगी, और जब आंसुओं से रो रही होंगी ना तब हंसेंगी, उनके आंसू निकल रहे होंगे, वो आप पे हंस रहे होंगे कि हमारे बाप दादा कुछ नहीं करके गए, अगर नियम स्थापित कर जाते तो आज जो है क्या 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 होता। इसलिए नियम स्थापित करने जरूरी है, इसलिए अड़े रहना जरूरी है। नियमों पे अड़े रहेंगे जुड़ जाएंगे, नियमों पे अड़े रहेंगे अच्छी नियत से जुड़ेंगे, नियमों पे अड़े रहेंगे और अच्छा काम कर जाएंगे, अगर नियम से कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे तो नहीं। इसलिए नियमों को मानना है, इसलिए नियमों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि व्यक्ति जितने भी स्थापित हुए अपनी आखिरी सांस के साथ सारा आंदोलन ले गए, व्यक्ति जितने भी स्थापित हुए अपने पर्सनल मोटिव के साथ सारा आंदोलन ले गए, व्यक्ति जितने भी स्थापित हुए अपने जो है थोड़ा सा उनको दबाव आया कुछ आया सारा आंदोलन ले गए। लेकिन नियम अगर स्थापित हो गए तो वो नियम कहीं नहीं जाते, वो नियम हमेशा रहेंगे और हमेशा संग रहेगा। बुद्ध ने नियम बताए क्योंकि लिखने का काम बुद्ध के समय से शुरू हुआ, जानकारी बुद्ध के समय के बाद से आनी शुरू हुई। बुद्ध नियम बता के गए, अशोक ने वो नियम बताए, तब हमको जो है आज उसके लाभ मिल रहे हैं। अगर हम आज नियम स्थापित करके जाएंगे तो उसका उसके फायदे हमारे बच्चे। इसलिए हमको नियमों पे अडिग रहना है, नियमों पे ही रहना है, नियमों से बिल्कुल नहीं। तो काम करें, ज्यादा करें, जल्दी करें, जल्दी जुड़ें, ज्यादा जुड़ें और जीत जाएं, सदा के लिए जीत जाएं। संगम नमामि, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद 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 संगम नमामि नमामि संगम नमामि संगम नमामि बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद सर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। सरेण गच्छामि।
संगम।